सबसे तेज खबर साउथ सी चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। साउथ सी जनपद के इकोना इलाके के किसान पदाधिकारियों के घर पर पुलिस का सख्त पहरा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के साउथ सी जनपद की, जहां पर इकोना इलाके के किसान पदाधिकारियों के घर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और पुलिसकर्मी उन्हें घर के अंदर ही नज़रबंद किए हुए हैं, जिसके चलते वो बाहर नहीं निकल सकते। सबसे पहले बात करते हैं कोना इलाके के बेचू बाबा चौक मोहल्ले का, जहां पर निवर्तमान मंडल अध्यक्ष विनोद शुक्ला के घर पर भारी तादाद में पुलिसकर्मी और उप निरीक्षक लगाए गए हैं, जो विनोद शुक्ला को रोके हुए हैं और उन्हें घर से बाहर नहीं निकल दे रहे। आपको बता दें, लखीमपुर में हुए कांड के बाद लखीमपुर में किसानों को बुलाया गया था, जहां पर एक पंचायत कर कार्यवाही के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसको लेकर श्रावस्ती में उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है और लगातार किसान पदाधिकारियों के घर पर पुलिस डेरा डाले हुए हैं और उन्हें नज़रबंद किए हुए हैं। उन्हीं के घरों में भारी तादाद में पुलिसकर्मियों को लगाया गया है, जो उन्हें उनके घर में ही नज़रबंद किए हुए हैं। इकोना इलाके के बेचू बाबा चौक मोहल्ले के विनोद शुक्ला के आवास की ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर विनोद शुक्ला को नज़रबंद किया गया है। इसके साथ साथ निवर्तमान तहसील अध्यक्ष सोम शर्मा के आवास पर भी भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं, जिन्होंने उनको नज़रबंद किया हुआ है। सबसे तेज खबर साउथ सी चैनल पर आप देख पा रहे हैं इकोना इलाके की अहम व महत्वपूर्ण खबर, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों को पुलिस ने नज़रबंद किया है और उनके घरों पर ही पुलिस का सख्त पहरा लगा हुआ है। अग्रिम आदेशों के अनुसार भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भारी तादाद में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर पहुंचना था, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर पुलिस प्रशासन लगातार सतर्क है और इन पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए भारी तादाद में पुलिसकर्मियों को किसान नेताओं के घर पर तैनात किया गया है, जहां पर पहुंचकर पुलिसकर्मी उन्हें उन्हीं के आवास पर नज़रबंद किए हुए हैं। ऐसे में इकोना कस्बे के बेचू बाबा चौक मोहल्ले में निवर्तमान मंडल अध्यक्ष विनोद शुक्ला के आवास पर भारी तादाद में पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। इसके साथ साथ इकोना के कंजरवा भुजवनपुरवा स्थित निवर्तमान तहसील अध्यक्ष सोम शर्मा के आवास पर भी भारी तादाद में पुलिसकर्मी तैनात हैं। यहां पर पहुंचकर थाना अध्यक्ष ने भारी पुलिसकर्मियों के साथ पुलिसकर्मियों की तैनाती का निरीक्षण करने के साथ साथ उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र इकोना इलाके की ये तस्वीर आप सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल पर देख पा रहे हैं, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों को नज़रबंद किया गया है और उनके आवास पर भारी तादाद में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, जिससे वो अपने घरों से बाहर न निकल सकें। इस बारे में जब निवर्तमान मंडल अध्यक्ष
विनोद शुक्ला से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है और यहां पर भारी तादाद में पुलिसकर्मी पहुंच गए, जिसके बाद उन्हें उनके आवास पर ही नज़रबंद किया गया। इस बारे में जब विनोद शुक्ला ने बताया तो पता चला कि इन लोगों को लखीमपुर मामले में रोके जाने के चलते भारी तादाद में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सुनिए उन्हीं की जुबानी। ये मामला मैं तो फिलहाल समझ नहीं पा रहा हूँ, मैंने प्रशासन के अधिकारियों से पूछने का भी प्रयास किया तो ये घर से बाहर नहीं निकलने देना चाह रहे हैं। हमको जहाँ तक लगता है, कल किसानों का जो लखीमपुर में जिन किसानों को गृह राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा कुचलकर उनकी हत्या करी गई, वो उसका बेटा जेल की सलाखों में है। इस सरकार की असंवेदनशीलता के नाते अभी गृह राज्य मंत्री अपनी कुर्सी पर बना हुआ है। कल लखीमपुर खीरी में किसानों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हो रहा है और उसे में संभवतः इस कारण से ये लोग यहाँ पे आए हैं कि हम उस किसान की श्रद्धांजलि सभा में ना पहुँच पाएं, हमें उसी तरह से रोका जा रहा है। क्या आपकी कोई ऐसी रूपरेखा थी कि आप वहाँ पहुँचने वाले थे? अब किसानों को तो वहाँ पे जाना ही था, क्योंकि हमारे परिवार का व्यक्ति जिसकी हत्या करी गई है उसकी श्रद्धांजलि सभा कल आयोजित है, तो हम लोगों को वहाँ पर जाना ही था। संभवतः उसी को रोकने के लिए ये पुलिस लगाई गई है और हमको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये हमारे मानवाधिकार की हत्या है, राष्ट्र संविधान की हत्या है। जिस तरह से ये योगी की सरकार, मोदी की सरकार लोगों की आवाज़ को दबाना चाहती है, हम अपने हक की बात नहीं कह सकते, हम अपने परिवार की श्रद्धांजलि सभा में नहीं शामिल हो सकते, तो ये निश्चित तौर पर लोकतंत्र का गला घोटना है। संविधान की हत्या हो रही है और हम इस हत्या को नहीं होने देंगे। इस सरकार से हम अपने कुर्बानी दे देंगे। हम कह रहे हैं कि आप हमें अरेस्ट कर लो, हमें जेल में डाल दो। हम इस सरकार की तानाशाही पूर्ण रवैया से लगातार हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। अब बाकी आप लोग देख रहे हैं किस तरह से बर्ताव हो रहा है इस योगी की पुलिस के द्वारा। आपके अधिकारियों के तरफ से बातचीत की गई थी कि हर जिले में प्रदर्शन किया जाएगा, क्या वो प्रदर्शन कल होगा या नहीं होगा? अभी हर जिले में प्रदर्शन का कोई नहीं था। कल की तारीख में, कल 12 तारीख को तिकोनिया में भोज है किसानों का, वो शांति सभा करके श्रद्धांजलि सभा का आयोजन वहां पे किया गया है। कल कोई आंदोलन नहीं है, लेकिन ये योगी की सरकार इतनी डरी हुई है, चूंकि इन्होंने अलोकतांत्रिक काम किया है, असंवैधानिक काम किया है। वो मंत्री जो बार बार बता रहा है कि हमारा लड़का घर पे बैठा है, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको 6 दिन बाद गिरफ्तार कर पाई है नहीं। वहां गोरखपुर में व्यापारी की हत्या हो गई पुलिस के द्वारा, और वो पुलिस का अधिकारी, वो 11 दिन के बाद उसकी कल गिरफ्तारी हुई है, ठीक है। लेकिन ये किसान नेताओं के घर पे इनकी सारी पुलिस जो है आके लग गई है और इस तरह से इनके द्वारा संविधान और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है।